हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, और आप सभी लोगों के बीच में कनेक्ट हुआ हूँ। बहुत ही स्पेशल सेशन है। आप सभी लोग जब भी कोई भी फॉर्म भरते हैं, आपको पता होना चाहिए IDBI का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 3 तारीख से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि सर सैलरी के बारे में बता दीजिए, एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की सैलरी क्या है। IDBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एग्जीक्यूटिव सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आज आप सभी लोगों को सैलरी स्लिप भी लेके आया हूँ, और असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि सर सैलरी बता दीजिए, सैलरी बता दीजिए, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे क्या सैलरी मिलती है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने आऊँ। मेनली फोकस कर रहा है अपना कि सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव सैलरी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। देखो, इसमें क्या होता है कि 3 साल फर्स्ट ईयर, ठीक है, 3 साल 3 ईयर के लिए रिक्रूटमेंट होता है। फर्स्ट ईयर 29,000 पर मंथ मिलता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर की बात करें तो 31,000 पर मंथ मिलता है, और थर्ड ईयर की बात करें तो 34,000 पर मंथ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो फर्स्ट ईयर का मिलता है, जिसमें 29,000 पर मंथ मिलता है। आफ्टर आपकी रिव्यू किया जाता है या परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसके आधार पर आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाता है, और आफ्टर 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपका प्रमोशन भी कर दिया जाता है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, ठीक है। तो ये समझो कि काफ़ी अच्छी जॉब है और आप लोगों को ठीक ठाक एक सैलरी भी मिल रही है। ये तो मैंने IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया, साथ ही मैं आज आप सभी लोगों को एक सैलरी स्लिप लेके आया हूँ अप्रैल 2021 का। लेटेस्ट का मुझे नहीं मिल पाया 2022 में, लेकिन फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से कितनी सैलरी मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पर देखें तो पे एंड अलाउंसेस, वेतन एवं भत्ते, तो वेतन जो है वो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे 41,960 आप सभी लोगों को वेतन दिख रही है, जिसमें DA अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 12,943 महंगाई भत्ता मिलता है, और यहाँ पर कॉइन एलिमेंट मिलता है, सिक्का अंश बोलते हैं 0.26। स्पेशल आपको अलाउंसेस मिलता है, जिसको बोलते हैं विशेष भत्ता मिलता है। विशेष भत्ता अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 1,143 आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से NPS बेसिक पे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 4,196। NPS DA जो कि मिलता है आपको 1,099। इसी तरीके से एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, जिसमें आप लोगों को मिलता है 6,881। लोकेशन अलाउंसेस भी मिलता है 700, और लर्निंग अलाउंसेस भी मिलता है 600। और इसके साथ साथ कुछ HRA जो अभी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं है, जैसे HRA वगैरह अलाउंस मिलता है, HRA हो गया या ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये आप लोगों को मिलता है, जिसमें ट्रैवलिंग वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, वो भी अलाउंस मिलता है। तो ठीक ठाक मिलता है, काफ़ी अच्छा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टोटल पे जो कुल वेतन दिख रहा है वो 69,523 आप सभी लोगों को 0.2 को, ये यहाँ पर आप लोगों को कुल वेतन दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या इसमें डिडक्शन भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो डिडक्शन एंड रिकवरी, कटौती एंड वसूली, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो NPS बेसिक और NPS DA, ये सब यहाँ पर कटौती अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये टैक्स वगैरह यहाँ पर, हेल्थ एजुकेशन, ये सब कर्मचारी का कटता है ये। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कुल वसूली अगर आप लोग देखें तो टोटल रिकवरी 21,819, और यहाँ पर अगर देखें तो नेट पे 47,704। इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो अभी HRA वगैरह नहीं अकाउंट है, HRA जोड़ दिया जाए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जोड़ दिया जाए तो ठीक ठाक सैलरी बन जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 47,704 अगर HRA वगैरह जोड़ दिया जाए तो 50,000 से 55,000 के बीच में आप लोगों का, मतलब कट डिडक्शन हो के आपको इतना मिलेगा। और ये एक टैक्स है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक टेबल टाइप का, ये ग्रॉस सैलरी इनकम बताया गया कि कितना होता है। उसी तरीके से नेट टैक्स सेविंग, ये पर ईयर की बात, मतलब पूरा ईयर की बात की जा रही है। इसी तरीके से नेट टैक्स सेविंग इनकम इंक्लूडिंग SPA, ये सब यहाँ पर मिला के, और टोटल टैक्स पेबल देकर, ये मतलब साल की बात की जा रही है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपकी जो सैलरी अगर यहाँ पर और भी अलाउंस जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिडक्शन से होते हुए तो 50 से 55 के थाउजेंड के अप्रॉक्स मिलता है, अगर अभी लेटेस्ट की बात करें।
तो ये एक बेसिक मतलब आप लोगों को स्ट्रक्चर मुझे आप लोगों को बताना था। आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से IDBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे आप लोगों को अगर ठीक है पोस्टिंग होती है तो ये आप सभी लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर है, तो ये आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई भी और भी कुछ किसी बैंक की सैलरी जानना है या कोई भी किसी पोस्ट पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, ओके, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, टेक केयर, थैंक यू।